तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्ट्रेक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हैंड साइंस के बारे में जो हिप हॉप में यूजुअली यूज होते हैं। हैंड साइंस सिर्फ स्वैग के लिए ही नहीं यूज करते बल्कि ये एक सिंबल है अपने हुड के रूट्स और गैंग एफिलिएशन को बताने के लिए। हिप हॉप ऐसा एक जॉनर है कि इसको जितना जानोगे उतनी ही नई नई बातें आपको पता चलेगी, चाहे वो हैंड साइंस हो, गैंग कलर्स हो या पर्टिकुलर स्लैंग्स हो। हिप हॉप यूएसए से पूरी दुनिया में फैला है ये हम जानते ही है। यूएसए में 50 स्टेट्स है और 50 स्टेट्स में इंग्लिश अलग अलग तरीके से बोलते हैं और कल्चर भी अलग है। सो वैसे ही अलग अलग एरिया के अलग अलग गैंग्स और ग्रुप्स है एंड इन्हीं सब डाइवर्सिटी को रैप करने के लिए भी हैंड साइंस को यूज करते हैं। जैसे ईस्ट साइड न्यूयॉर्क का क्रिप गैंग का बंदा अलग हैंड साइंस बताएगा, वैसे ही वेस्ट साइड लॉस एंजलिस का ब्लड गैंग मेंबर अलग हैंड साइंस दिखाएगा। और अपने इधर यूजुअली म्यूजिक वीडियोस और रील्स में कूल बनने के लिए ज्यादातर लोग हैंड साइंस शो करते हैं एंड बहुत ही कम आर्टिस्ट है जिन्हें इनके बारे में पता है। आज हम सभी मेन गैंग साइंस के बारे में जानेंगे एंड बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे इस वीडियो के लिए, सो शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द वीडियो अबाउट हैंड साइंस। पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये हैंड साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हिप हॉप का ही एक पार्ट है गैंग्स वगैरह एंड यही गैंग्स से रिलेट करके ही यूएस में ज्यादातर रैपर्स हैंड साइंस दिखाते हैं। गैंग साइंस का ओरिजिन हुआ था लेट 80s में कि अगर एक गैंग मेंबर दूसरे टेरिटरी में आ जाए, वहां अगर कोई गैंग मेंबर उसे दिख जाए तो उसको ये शो करके बता सके कि वो कौन से गैंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड यूएस में ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई बंदा किसी गैंग में जुड़ता है अपनी टीनेज में तो पहले उसे यही बेसिक चीजें सीखनी पड़ती है कि कौन कौन से गैंग्स आसपास, अपने गैंग का एरिया कितना है, दूसरे हुड में जाओ तो कौन सा हैंड साइंस दिखाना है, अपने हुड में कौन सा हैंड साइंस दिखाना है, और तो और टोपी कौन सी पहननी है, सब रूल्स है। और मैं सोच रहा हूं कि कैप कल्चर पे भी एक वीडियो लेके आऊं कि रैपर्स कैप क्यों पहनते हैं एंड क्या मतलब है उन कैप्स का, आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। वेल, हैंड साइंस एंड ये सब चीजें एक नए गैंग मेंबर को गैंग के ओजी मींस जो सीनियर है वो सिखाते हैं। बाहर से देखने वालों को ये लोग बस आवारा गुंडे लगते हैं लेकिन ये गैंग्स में भी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल और नियम कानून है। ब्लड्स एंड क्रिप गैंग भी एक दूसरे के दुश्मन है और वो लोग भी आपस में गैंग साइंस थ्रो करते हैं अपनी बढ़त और गैंग एफिलिएशन बताने के लिए। भले ही ब्लड्स एंड क्रिप गैंग एक दूसरे के दुश्मन हो लेकिन वो ऐसे ही एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कोई ब्लड गैंग वाले ने किसी क्रिप गैंग वाले को मारा तो क्रिप गैंग वाले चुप नहीं बैठेंगे। सेम वैसे ही अगर क्रिप गैंग वाले ने किसी ब्लड गैंग मेंबर को मारा तो ब्लड गैंग भी चुप नहीं बैठेगी। इसका बिगेस्ट एग्जांपल हम टूपाक वर्सेस बिगी के केस में देख सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक हैंड साइंस। देखा जाए तो कोई भी बंदा अपना हैंड साइंस बना सकता है जो उसकी मर्जी हो, जैसे अपने इंडिया में रफ्तार भाई का हैंड साइन जो उनके नाम को रैप करता है। एंड कोर हिप हॉप सिटी लाइक पुणे में जहां तक मैंने सुना है बहुत सारे गैंग्स हैं एंड हर गैंग का अलग अलग सिंबल भी है, और वी कैन प्राउडली से दैट कि पुणे उन सिटीज की गिनती में आता है जो एकदम कोर हिप हॉप को एडमायर एंड अडॉप्ट करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में हिप हॉप के उन मेन हैंड साइंस के बारे में जानेंगे जो यूजुअली ओजी रैपर्स फ्लेक्स करते हैं एंड नए रैपर्स के हैंड साइंस को भी हम आज समझेंगे। मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे द लेजेंडरी रैपर गेम का एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने कई सारे गैंग्स के हैंड साइंस बताया है एंड द गेम वैसे तो ब्लड गैंग से बिलोंग करते हैं और उनके ब्लड गैंग का नाम है सेडर ब्लॉक पायरू ब्लड्स। सो लेट्स स्टार्ट गैंग साइंस। पहला गैंग साइन है मेन स्ट्रीट माफिया क्रिप्स का, जो कि एम बनाते हैं हाथ से, जो उनके गैंग नेम मेन स्ट्रीट माफिया को रैप करता है। ये गैंग बहुत ही खतरनाक है एंड अकॉर्डिंग टू गैंग्स यूनाइटेड टीवी ये गैंग पहले गोली मारती है चाहे मैटर कोई भी हो एंड इनके मेन दुश्मन है मोब पायरू ब्लड गैंग। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं ब्लड गैंग के गैंग साइन की ओर। ब्लड गैंग के कई डिविजन है एंड उसमें सबसे प्रोमिनेंट है ये सिंबल, जिसको ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा ब्लड की स्पेलिंग BLOOD बनाया है फिंगर्स से। इस गैंग साइन को द मदर हैंड साइन ऑफ ब्लड गैंग भी बोलते हैं। आगे हम ब्लड गैंग के और दूसरे हैंड साइंस भी देखेंगे। फिर है कॉम्प्टन क्रिप्स। कॉम्प्टन क्रिप्स के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड लेजेंडरी रैपर है Eazy-E, जो कॉम्प्टन क्रिप्स को अपनी आखिरी सांस तक रैप कर रहे थे। नाम से ही समझ सकते हैं हम कि ये क्रिप गैंग कॉम्प्टन से बिलोंग करती है एंड कॉम्प्टन में काफी फैली हुई गैंग है ये। इनका सिंबल है ये, जिसमें दोनों हाथों से सी बनाते हैं जो कॉम्प्टन क्रिप्स वर्ड को दर्शाता है। देन है मोब पायरू ब्लड्स, जिसमें कि शुग नाइट, द गेम जैसे हिप हॉप के बड़े बड़े नाम शामिल है। इनका हैंड सिंबल है ये, जिसमें ये लोग हाथ से पी बनाते हैं जो सेम टाइम बी लगता है, मींस पायरू का पी और ब्लड्स का बी दोनों एक ही हैंड जेस्चर में इन्वॉल्वड है। You know what I'm saying?
ब्लैक गैंग्स ही नहीं, मेक्सिकन एंड लैटिन गैंग्स भी उतने ही इम्पैक्टफुल और डेंजरस है। लैटिन कम्युनिटी की सबसे डेंजर गैंग है लैटिन किंग्स, और उसका गैंग साइन है ये, जिसमें ये लोग अपनी बीच की दो उंगली फोल्ड कर लेते हैं। एंड यूजुअली इसके कई और वेरिएशंस भी है, लेकिन बेसिकली ये लोग इसी को थ्रो करते हैं हुड में। वैसे ही मेक्सिकन सुरेनो गैंग का भी अपना हैंड साइन है, जो कि है ये। मेक्सिकन सुरेनोस क्रिप गैंग ही है एक तरह से, बट फर्क ये है कि इसमें ब्लैक्स के बदले मेक्सिकन लोग है। सो साउथ साइड क्रिप्स और मेक्सिकन सुरेनोस एक ही सिंबल थ्रो करते हैं, और इनके गैंग साइन में क्रिप्स का सी और एस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये लोग साउथ से बिलोंग करते हैं, और एक ही गेस्टर में हो गया सी और एस। अब ये तो हो गया गैंग्स के हैंड साइंस, बट सिर्फ गैंग्स के ही नहीं, पूरे वेस्ट साइड और ईस्ट साइड एरिया का भी अपना अपना हैंड साइंस है। वेस्ट साइड का सिंबल है ये W, जिससे हम सब फेमिलियर है द ग्रेट रैपर टूपाक की वजह से। और जो कोस्टल एरिया है वेस्ट साइड का, जिसको वेस्ट कोस्ट भी बोला जाता है, जिसका गैंग साइन है ये, जिसमें तीन उंगलियां W शो करती है, जिसका मतलब है वेस्ट, और बाकी दो उंगलियां सी जो स्टैंड करती है कोस्ट के लिए। सो ये हो गया वेस्ट कोस्ट। वैसे कहीं नोट करके रख लेना, क्या पता यूपीएससी में पूछ ले। फिर है ईस्ट कोस्ट, जिसका सिंबल है ई, एंड यही साइंस मेन है हर हैंड साइंस के गेस्टर में जो भी रैपर थ्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई वेस्ट साइड का ब्लड गैंग मेंबर अगर ईस्ट साइड में आ जाए और उसको कोई ब्लड गैंग मेंबर दिख गया रेड बैंडना में, तो वो सबसे पहले वेस्ट साइड का सिंबल दिखाएगा, एंड फिर वो जिस गैंग से बिलोंग करता है, मान लो वो पायरू से है, तो वो पायरू का सिंबल दिखाएगा। यही नहीं, ब्लड एंड क्रिप गैंग के अपने डांस भी है, जो यूजुअली ये लोग मीटअप्स एंड शोस वगैरह में करते हैं, जिसका नाम है ब्लड वॉक एंड क्रिप वॉक। और ब्लड वॉक, जिसको इवन अपने पुणे के आर्टिस्ट संबटा भी करते हैं अपने वीडियोस में। और यही ड्रेसिंग, हैंड साइंस, स्लैंग, डांस, सब की वजह से इसे गैंग कल्चर बोलते हैं, कॉज ये सब टोटली देखा जाए तो एक कल्चर की ही तरह है। न्यू स्कूल रैपर्स लाइक ब्लू फेस, एनली चोपा वगैरह भी बहुत ही क्लीन एंड क्रिस्प गैंग सेंस थ्रो करते हैं। और हम हैंड साइंस का फुल क्रेडिट्स ऐसे ही बाहर वालों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे इंडियन क्लासिकल डांस में इन्वॉल्व है, एंड वी शुड बी प्राउड कि हमारे इंडियन डांस में ये हैंड साइंस हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं, और इसे हस्त्र मुद्रा बोलते हैं। So shout out to all my dancer brothers and sisters who is watching this video. भले ही हम वेस्टर्न हिप हॉप से influenced हो, लेकिन हमें हमेशा हमारे roots पे गर्व होना चाहिए। और बात किया जाए इंडियन रैपर्स के हैंड साइंस की, तो usually बहुत सारे रैपर्स हैंड साइंस थ्रो करते हैं, लेकिन सबसे cleanest हैंड साइंस अगर कोई थ्रो करता है प्रॉपर, तो वो है कार्टर, जिन्हें हम द फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप कह सकते हैं। इनका गाना लेवल अप इक्का पाजी और डिवाइन वाला सुना होगा आपने, सो मच रेस्पेक्ट टू कार्टर ब्रदर, और भाई कीप एन आई ऑन हिम, क्योंकि ये बंदा आगे धूम मचाने वाला है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट अवर इन्फ्लुएंसर्स, जो वेस्ट साइड केला को रैप कर रहे थे कुछ दिन पहले। सो ये था भाई लोग आज का वीडियो अबाउट हैंड साइंस, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड ए बिग हग टू दोस पीपल जिन्होंने अपनों को खोया था लास्ट ईयर। अब मैं कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट दूंगा, इनके काम को चेक मारना। पहला शाउट आउट है गोरो, इनका गाना गिन रहा हूं मैं दिन, चेक मारना, बहुत ही सही काम है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के काफी एक्टिव मेंबर है भाई। फिर है मेरे सिटी इंदौर से MC क्रेजी, जिसका नया गाना हर गली की छोरी आ चुका है, बहुत ही बवाल लड़के है और बहुत ही बवाल काम है, चेक मारना और सेक्टर एक्स की तरफ से सपोर्ट करना। देन है TNT, जिनका नया गाना वन साइड काफी अच्छा है, सुनना, भाई बंगाल से है, सपोर्ट करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वन ऑफ माय फेवरेट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बैडी मिंट, इनका नया गाना होश में आ चुका है, सिक काम है भाई का और सिक वीडियो है, सब लोग प्यार दिखाना। और भाई लोग आप भी शाउट आउट चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना, बहुत सारे भाई लोग की शाउट आउट पेंडिंग है, मैं कोशिश करूंगा सब जल्द से जल्द निपटा दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। वाइब में होश में नहीं आता मैं, लिखता वाइब में होश में नहीं गाता मैं, माइक में गैंगस्टर सामने बनते प्रैंकस्टर, ऐसे लोगों को मोने लगाता मैं।